जय मखाना धाम, जय हो, जय हो, जय बस्ती, जय मेरे भाइयों, प्रणाम करता हूँ आप सबको, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बड़े भैया अजय सिंह जी के निमंत्रण पर आज मुझे भी इस पवित्र भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने दिन से मेरा मन ललचा रहा था, मैं भी अयोध्या जी का हूँ, आपके बीच में यहाँ इस भूमि को प्रणाम करना चाहता था, लेकिन ईश्वर की आज ही कृपा होनी थी, आज मैं इस पवित्र पावन धाम में आके तर गया। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। इतनी इतनी पवित्र भूमि है ये कि पूरे कौशल राज्य में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए महाराजा दशरथ जी को कोई जगह नहीं मिल रही थी। यही इसी भूमि पर उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, श्री श्रृंग जी के अगुवाई में इस पवित्र धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ से आते हैं। जय हो, जय हो, क्या बात है नेता। एक बार आप सब लोग और पूरे जिला इस मखौड़ा धाम की ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि पर बांके बिहारी बड़ी त्रिपाठी जी, भाई दिवाकर द्विवेदी जी, जो हमारे आसपास के कम से कम 7-8 मंडल के सबसे बड़े भोजपुरी के लोक गायक के कलाकार हैं, एक बार जरा अवधी विशेषकर क्या अवधी के कलाकार हैं। हमारी बेटा ये थी कि आपको मैंने इनवाइट किया था मखौड़ा मनोहर महोत्सव में, लेकिन इनकी व्यस्तता थी, पिक्चर वगैरह बनाते हैं मुंबई में बिजी थे और 3 ही दिन का महोत्सव था। अगली बार हम प्रयास करेंगे कितना एक्सटेंड करने के महोत्सव को 5 दिन का कम से कम करेंगे, जिससे कोई कितना भी व्यस्त हो आ गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया, दिवाकर भाई दिल्ली में, वहां बंबई में थे, तब तक पिक्चर बना रहे थे, गानों का शूटिंग कर रहे थे, गानों को डब कर रहे थे, जिससे मैंने अनुरोध किया दिवाकर भाई इस समय अब दोबारा मिलेगा नहीं। जो न्यू की पहली हिट है, सदियों पुरानी हमारी जो विरासत है, तो जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास होना, पहली ईद रखी जानी पत्थर लगना, और अगर आप यहाँ भोजपुरी के अवधि के इतने बड़े आप कलाकार हैं, सबका सहभागिता तो हो रही है, लेकिन आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है कि वहां से हवाई हवाई जहाज का टिकट टुकट ले किसी तरह से अपना दौड़ते भागते बम्बई से, अब ये समझ लीजिए बम्बई से 24 घंटे पैदल आ गए। कैसे आ गए? पैदल हुआ भाई, आदमी अपना सब काम छोड़ के आ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार आप सब लोग अपने इस कलाकार का, अपने इस बेटे का, अपने इस भाई का तालियों की पूरी कर रहा था स्वागत करिए, जो ढक कर जानी चाहिए आप लोग कहा, अरे ठंडी खत्म हो गई महाराज, बोलो भारत। सबको प्रणाम करता हूँ, आप अपने चैनलों पे जरूर डालिएगा, अच्छा लगे तो, दिल को छुए तो, कि सुबह हो राम गीतों से भजन से शाम हो जाए, सुबह हो राम गीतों से भजन से शाम हो जाए, भंवर में ना मेरी सरल हर काम हो जाए, भंवर में ना हो मेरी सरस हर काम हो जाए। अयोध्या भूमि है चंदन बहे सरयू सर्ग पावन, अयोध्या भूमि है चंदन बहे सरयू पावन, हिले जब होठ
श्रद्धा से हिले जब होठ श्रद्धा से श्यामल राम हो जाए। चल ठुमुक ठुमुकी नंगे पाँव राम मेरा छोटो से इनका सबका थोड़ा सा 25% नीचे कर दिया, हमें अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही, बाकी म्यूजिक हमारे ऊपर हावी हो रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। तो चले ठुमुक ठुमुक ऐसे जब सादे में जा रहे हैं तो एकदम क्लियर आ रहा है, बस है इतने की मेहरबानी करिए हमको, हम ही सुन हम सुन सके तभी हमको गाने में और अच्छा लगेगा। चले ठुमुक ठुमुक नंगे पांव राम मेरा छोटू सो, मैया मैया मीठो मीठो बोलत हिलत हसत खेलत हिलत डोलत, मैया मैया मीठो मीठो बोलत हसत खेलत हिलत डोलत करी। हम चाहब कि भैया उधे बोलत है बतिया थे, दोनों हथवा उठा ला, ऐसे दो फायदा है, एक हमारे सबके मनोबल बढ़ जाए खून बढ़ जाए, और दूसर का जो ठंडी है जल्दी जल्दी बजोगे तो गर्मी आ जाए, लेकिन बाकी राम नाम की गर्मी तो हम लोगों में ही है। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर कैसे धीरे धीरे चले धीरे माताएं बहने बैठी हैं, ये कह रही हैं ये पुरुषों का काम है बजाए, हम थोड़े हम तो साल ओढ़ के बैठे हैं छुपाई मारे, तो हरुताए घर थी दीदी बहनी भौजी काहे एकदम एकदम दुकान बैठी हो साल ओढ़ के, अयोध्या दर्शन ना जाती हूँ गर्व हमार ना सुने हो कि कहाँ सखी सरजू ना हायू की गाने से मुझे याद आ रहा है बस्ती जिले की बच्चियां वहां अयोध्या में दर्शन कर रही थी, हम शूट कर रहे थे, हमने सब नमस्ते की, हमने कहा नमस्ते बेटा कहीं हमारा भी शूट करा दीजिए, ये गाने की शूट हो रही थी, अब आप देखिएगा, तो उन्होंने कहा हमको भी इसमें करा दीजिए, हमने कहा आओ, चार पांच बच्चियां थी घूम रही थी अयोध्या जी में, हमने कहा बैठो, उनको भी हमने शूट कराया है, हंसते हुए लड़कियां उसमें दिखेंगी आपको, इस गाने में जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब देखा कहाँ सखी सरजू ना हायू की माई, तो बात में सुनाऊ ये बात के तय रख दी थी थोड़े सब पिताए, हम देखा दादी एकदम उसकी याद में मगन हो गई, कहते हाँ बहुत सही है, तो सुने हैं भैया तो ही गाए हैं, अच्छा अच्छा ये बेटा हमें गाएगा, ओहो हाँ याद आई क्या, ऐसे ऐसे गमछुआ हिला हिला रही सजने बकिया थी, चलिए ये तो उनके लिए था। तो कहना है कि माँ कौशल्या का मन घबराए, माँ का मन बड़ा कोमल होता है, माँ से प्यारी कोई श्रद्धा नहीं, कोई वात्सल्य नहीं, कोई भी ममता नहीं माँ से बड़ी, भगवान राम जी ने अवतार लिया है विष्णु के साक्षात अवतार, लेकिन माँ कौशल्या का मन घबरा रहा है क्या, कि माँ कौशल्या का मन घबराए ना के हूँ के नजर लग जाए, तीनों मैया रखी ओ तीनों मैया रखी ममता के छाँव राम मेरो छोटो सो, तीनों मैया रखी ममता के छाँव राम मेरो छोटो सो, मैं यहाँ
यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अच्छे पत्रकार पढ़े लिखे विद्वान प्रकांड विद्वान बैठे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ ये गीत हमारे ही द्वारा लिखा गया है, अगर कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। लगभग 70% गीत मैं स्वयं लिखता हूँ, चाहे वो सामाजिक व्यंग हो, चाहे जो हो, चाहे नौजवानों के लिए हो। देखिए हम भाई किराना की दुकान जैसे होती है, चीनी भी बेचते हैं, मिर्चा भी बेचते हैं, धनिया भी बेचते हैं और शक्कर भी बेचते हैं। जिसको जो लेना है भैया वो ले लो, हम फिर इल्जाम ना दो भैया मिर्चा काहे देते, चीनी मांगे थे तो। और सुधरने का मौका वाल्मीकि जी को भी मिला, उन्होंने रामायण रच डाली। तो एक किशोर साहब का गाना याद आता है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो गलतियां इंसान से होती ही हैं, हाँ किसी की हाईलाइट हो जाते हैं, किसी की बंद हो जाते हैं, लेकिन गलतियों को सीख के सुधार कर ले, उसे भी हमारे हिसाब से सुधारने का मौका मिलना चाहिए। पुलिस वाले हमारे नौजवान बैठे हैं, अपराधी को पकड़ते हैं, जेल में ले जाते हैं, 15 दिन 10 दिन 15 साल 10 साल में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है सजा काटने के बाद अपराधी सुधर गया होगा। तो सुधरने का मौका हक सबको है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या कि माँ कौशल्या का मन घबराए ना, के हूँ के नजर लग जाए, छम 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 बाजे पाए जनिया, खोले चंद्र किरणिया, छम 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 बाजे पाए जनिया, रुबा पे छिटकी चंद्र किरणिया, देखी देखी मैं तो देखी देखी मैं तो बलिहारी जानो राम मेरो छोटो सो, देखी देखी मैं तो बलिहारी जानो राम मेरो छोटो सो। महाराजा जी के नाम पे स्कूल है, कॉलेज है, महाराजा दशरथ इंटर कॉलेज, जो हम जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्हीं के नाम से उन्हीं के यज्ञ मख मख, ये मख माने यज्ञ ही होता है जहाँ तक हमारे बाबा जी ने बताया है, मख धाम मखौड़ा, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है, पवित्र भूमि है। तो दशरथ जी के राज दुलारे, माँ कौशल्या के प्राण प्यारे, दशरथ जी के राज दुलारे, माँ कौशल्या के प्राण प्यारे, कि कहे अंगना में कहे अंगना में काजा गाओ गाओ राम मेरो छोटो सो, कहे अंगना में काजा गाओ गाओ राम मेरो छोटो सो, कहे अंगना में काजा गाओ गाओ राम मेरो छोटो सो। जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जय सियाराम, जय हो, जय हो, जय हो। एक बहुत ही मार्मिक भजन आप हमारा सुन रहे हैं, हमको बहुत पसंद आता है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैंने सुनाया, आप जैसे नौजवानों को भी, भाइयों को भी, माताओं को भी। ये उस समय का जिक्र है जब सीता जी को रावण ले गया था हर के, और सूरज या चंदा देखी देखी रोए, सूरज या चंदा देखी देखी रोए, बन 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 भटके मोरे राम, कहाँ चली गई चंदा।
पूरी सृष्टि को चलाने वाला जिसकी पलक झपकने भर से पूरी सृष्टि का विलय हो सकता है, जो पलक झपका दे पलक उठा दे पूरी सृष्टि काल के गाल में समा सकती है, वो विधि के हाथों हो मजबूर भइले, विधि के हाथों हो मजबूर भइले, खुद ही जड़ खेले विधान जी, सूरज इस गाने को बहुत कलाकारों ने गाया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पारंपरिक गीत की श्रेणी में आपके बीच में आ गया है। आज से जो हमारे पुराने श्रोता हैं जानते हैं 20 साल पहले गाना हमने गाया था,
और आज तमाम कलाकार उठा के अपना अपना नाम देके गा रहे हैं। ठीक है, भगवान तो देखता है, उनके आत्मा खुश होती है, कलाकार गाएगा रोटी कमाता है। ठीक, हम किसी के लिए नहीं कहते हमें क्रेडिट दे, हमारे गीतों को उठा के तमाम लोग गा देते हैं, हम कहते ठीक गाओ भैया, ना नाम डालो कोई बात नहीं है। तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों पे मेरा नाम तो है। देखकर लोग तुझे नाम मेरा लेते हैं, इस पे मैं खुश हूँ, मोहब्बत का ये इनाम तो है। अब आपके जिले के ये देवाशीष मौर्य जी हैं, ये हमारे 20 साल पुराने शिष्य हैं। जय हो दिवाकर भैया की, जय हो। और ये छावनी के हैं, ये बहुत अभी हमारे साथ सूरत में भी एक उद्योगपति यहाँ कार्यक्रम करके लौटे हुए हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने किया और बहुत अच्छा हिंदी भी गा लेते हैं, भोजपुरी भी गा लेते हैं, अवधी भी गा लेते हैं, ये कलकत्ता की भाषा बंगाली भी बोल लेते हैं, आसामी भी बोल लेते हैं। ये सबसे बड़ा टैलेंट है इनका, बहुत ब्रिलियंट है। आपकी धरती हमारी ये बहुत प्रतिभा से भरी हुई है। आप ये आप चाहेंगे बंगाली में भी गाना सुन लीजिए, इंग्लिश में बात कर लीजिए इनसे। बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट बच्चा, अनुशासित और सहनशील और बहुत ही अच्छी प्रतिभा के धनी है देवाशीष मौर्य जी। और ये 20 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन इनका अलग ही बड़ा व्यवसाय है रेलवे विभाग में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके बच्चे के, आशीर्वाद दीजिए। डबरिया कूद परन हम गाठे भरे के पानी में, डबरिया कूद परन हम गाठे भरे के पानी में, चाटा लाग दुकान में जीत के टक्टर ले लिए प्रधानी माँ, बहुत भीड़ आ रही, बहुत जनता आ रही है, बैठने की सारी कुर्सियां फुल हो गई, इधर आ जाओ भैया, इस साइड कुर्सियां खाली हैं, पूरा खचाखच मैदान भरा हुआ है, 50,000 लाख से ज्यादा जनता आ चुकी है, पीछे खड़ी है बहुत दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही, आप लोग उठ के ना देखो भैया, उठ के ना देखो व्यवधान उत्पन्न हुई है, हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमारी बात को विश्वास करो, कैमरा को विश्वास करो, कैमरा वाले दिखाई देंगे स्क्रीन पर। डबरिया अब की जीत के टक्कर ले लिए भाई प्रधानी माँ, चाटा लाग दुकानी माँ, रोजगार योजना पहले चलती थी, उस समय गीत लिखा जाता कि जो हर रोजगार में पैसा बन के चरवाई जैसे भैंसा, लेकिन अभी योजना बदल गई, नाम बदल गया, नरेगा होएगा, अब नरेगा वाला पैसा, अरे जिंदगी रेगा हो गया राम, 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 जब से आयल बा नरेगा जिंदगी रेगा हो गया नरेगा वाला पैसा बन के चरवाई जैसे भैंसा, तो कभी है सिक्रेटरी भी हमारे सतवा चाहती ना। आपको बहुत से हमारे श्रोताओं को पता है मेरे पिताजी ग्राम पंचायत अधिकारी हमारे सेक्रेटरी से रिटायर है एटीओ से, तमाम प्रधान लोग हमको कहने लगते भैया प्रधान का दोस्त तुम्हें नजर ही आवा, अपने पिताजी का नाम देखा था बिना उनके साइन के 1 रुपया हर बार खस कर पाए, तो लिखा भाई निष्पक्ष लिखा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि कटिहार सेक्रेटरी भी उनसे, कटिहार सेक्रेटरी भी हमारे सतवा चानी ना, मजा कर प्रधानी ना। इस गाने के बाद सुल्तानपुर की बच्ची बहुत ही प्यारी आवाज इसकी है, तो हम का राजा कहीं है तू का कहीं है रानी माँ, हमारा जगह पर धानी माँ, हम का राजा कहीं है तू का कहीं
थोड़ा दूर बुझाता रहेगी क्योंकि कहीं कहीं से दिल कुछ होता है तो भैया कि सब ही बात जा रही है नलका नाला नाली पैसा दे सरकार उतना हुआ ना दिया बेकार दादा हम देखा चाचा मुझे आ रहे हैं दवा जैसे दिल के बाद के तरजा उनका छुपाए देखो प्रधान है अरे आपको नहीं कह रहा दादा ये तो हम अपने लिए सोचे थे प्रधान जी यहाँ दवा हम जानते प्रधान जी लोग बैठे हुए हैं क्षमा कीजिएगा आप लोग तो एकदम ईमानदार प्रधान है आप तो चाय भी नहीं पीते सरकारी पैसे से आपके लिए कह ही नहीं रहा हूँ मैं ये तो हमने अपने मन में सोचा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है मैं कमाऊँ अपने ऊपर ले रहा प्रभु क्षमा की हो कि जितना पैसा दे सरकार अरे पहले तो हम लिखे थे 20 साल पहले मारुति गाड़ी लेकिन अब मारुति थी कोई मतलब नहीं पढ़ाने के लिए जो छोटी है हमारे हिसाब से इसलिए भाई फॉर्चूनर वो खड़ी रहे अगर बात सही लग रही जोरदार तलिया तो बजावा यह देखा ये प्रधान जी जनता खार खाए बैठी है अरे बाप रे बाप इतना बड़ा समर्थन तो आज तक हमें मिल रहा है लेकिन दोस्तों हम भैया प्रधान ही न लड़ा संन्यास ले लेते आज से तो कहे दीवा के लवंडा जय हां पर पुलिस के फंदा यही से प्रधानी लड़े विचार हम छोड़ दें कि कहे दीवा के लवंडा जय हां पर पुलिस के डंडा वही हाँ बिना मोती मर गई है हमारी लाली माँ मजा मेरे प्रधान अयोध्या में नहीं जाते
छोटा था मेरे पिताजी ने पहली फिल्म मुझे दिखाई थी फैजाबाद में, एक फूल दो माली। उस समय ये गीत मेरे दिमाग में ऐसे बैठा, शायद सारे पिताओं को ये गाना दिल को छूता होगा। बहुत क्या खूब गाया है मन्ना डे साहब ने, क्या लिखा गया है। अक्सर मैं
स्कूल या कॉलेज में जब इनवाइट होता हूँ तो ये गाना मैं जरूर गाता हूँ। आज अजय सिंह जी हमारे विधायक आपका नाम रोशन कर रहे हैं, आपके पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इतना बड़ा नाम हुआ है, इतना बड़ा काम होने जा रहा है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, देखिए कितना बढ़िया है, दिल कुछ हो गया, ये शिक्षा का प्रभाव है। प्रबंधक साहब हमारे यहाँ प्रणाम करता हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। अपने अपने बच्चे की तस्वीर चाहे जिस उम्र में हो, अपनी गोदी में जब आपने उसे देखा होगा, आपकी गोदी में उसने पलके खोली होगी, पहली बार आपको देखा होगा, उसके होंठ हिले होंगे चाहे रोने के लिए चाहे मुस्कुराने के लिए, वो सुख सिर्फ और सिर्फ पिता महसूस कर सकता, दुनिया का कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुनारा, तुझे सूरज एक मिनट के लिए व्यवधान डालूंगी बीच में, जैसा